डॉक्टर रेणु जैन डीएवीवी की नई कुलपति होंगी। कमलनाथ सरकार द्वारा उनके नाम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैन के कुलपति बनने से डीएवीवी में पिछले एक महीने से चला आ रहा संकट समाप्त हो गया है। देखिए खास खबर। आखिरकार डीएवीवी का संकट समाप्त हो गया है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के नाम पर गुरुवार को मुहर लग गई। जी हाँ, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की विभागाध्यक्षा और प्रोफेसर रेणु जैन को डीएवीवी का नया कुलपति बनाया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। कुलपति बनाया है तो जिस वजह से बनाया गया उस वजह पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने मुझे उस बनाने लायक समझा है तो मैं उनकी आशाओं के अनुरूप अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो परिवर्तन तो वहाँ जाके देखेंगे, पर जो समस्याएं इस समय पर हैं उन समस्याओं के निराकरण की सबसे पहले कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक जो मैं समझती हूँ कि एक नैक का इंस्पेक्शन होना है वहाँ पर। ऑलरेडी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, उसको A+ ग्रेड दिलवाना ये हमारी उद्देश्य रहेगा। कम से कम A+ मिले, नहीं तो A++ मिले। नहीं, वहाँ मैं एक दो बार गई हुई वहाँ गणित विभाग में, वहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है, और वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ कंट्रीब्यूशन अपना कुछ देंगे, खुद जो मेरा मनपसंद विषय है वो वहाँ पढ़ाऊंगी भी। वहीं MP न्यूज़ के संवाददाता ने एक्सक्लूसिवली DAVV की नई कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से चर्चा की। जैसे कि मैं देखा गया था कि वहाँ पर जो है छात्रों वहीं दूसरी ओर DAVV की कुलपति नियुक्त करने की मांग को लेकर अजय चौरड़िया 11वें दिन गुरुवार को भी यूनिवर्सिटी में आमरण अनशन पर डटे रहे। पहले दिन से उन्होंने अन्न त्याग रखा है, जबकि मंगलवार को उन्होंने पानी भी त्याग दिया। डॉक्टर रेणु जैन की नियुक्ति की घोषणा होने के बाद रजिस्ट्रार उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग तक वे अनशन खत्म नहीं करेंगे। देखिए, जिस दिन मैं आमरण अनशन पर बैठा था तब मेरा यह था कि मैंने सरकार से और राजभवन दोनों से एक ही मांग थी कि आप कुलपति को भिजवा दें और तत्काल कुलपति की नियुक्ति करें, और उसमें मैंने 9 दिन का समय दिया था कि 9 दिन के अंदर आप कुलपति की नियुक्ति कर दें, नहीं तो अगले कदम के मामले में मुझे जल का त्याग करना पड़ेगा, और वो मैंने किया। और पहले दिन से मैंने सोचा था कि जिस वक्त कुलपति का ऑर्डर आ जाएगा कि कुलपति की नियुक्ति हो गई है, आमरण अनशन समाप्त कर दूंगा। इसलिए कुलपति की नियुक्ति के बाद भी कुलपति 1 या 2 दिन और आने के लिए नहीं लगा दे, इसलिए अब मेरा यह धरना और मेरा आमरण अनशन उसी वक्त समाप्त होगा कि जब कुलपति की नियुक्ति हो जाए, कुलपति यहाँ आकर कुलपति की चेयर पर विराजित हो जाए और रजिस्ट्रार महोदय उनसे कुलपति के ज्वाइनिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लें। जैसे ही हस्ताक्षर होंगे, मुझे किसी के यहाँ मेरे धरना आमरण अनशन पर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपनी गाड़ी ड्राइव करके घर चला जाऊँगा। वहीं DAVV को नया कुलपति मिलने के बाद प्रोफेसर्स में भी
खुशी का माहौल है। अभी समाचारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि डॉक्टर रेणु जैन मैडम को जो है वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें छात्र के हित भी हैं, कर्मचारियों के कई काम हैं। निश्चित तौर पर मैडम ज्वाइन करेंगे तो हर्ष का विषय होगा और बहुत सारी जो अनिश्चितताएँ वो समाप्त होंगी और विश्वविद्यालय वापस अपनी पटरी पे पुरानी गति से दौड़ने लगेगा। हम ऐसा होप करते हैं कि बहुत जल्दी मैडम आ जाएं और ज्वाइन कर लें। कुलपति नियुक्ति का रास्ता साफ होने पर अफसरों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन पद संभालते ही कुलपति को कई चुनौतियों से निपटना होगा। बहरहाल एक बार फिर डीएवीवी के काम पटरी पर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।